हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इन मैथमेटिक्स एंड एपी और एरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मींस यहाँ पे जो सीक्वेंस या सीरीज आपको दी है, उस सीक्वेंस और सीरीज के हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे कि 3 और 5 आपको टर्म दिया हुआ है, दो 5 और 7 है, 7 और 9, वैसे करते हुए nth टर्म तक आपकी सीरीज जाती है। तो ये दो टर्म्स मींस के t1 t2 t3 t4 मींस टर्म 4 टर्म 3 टर्म 2 टर्म 1, इन सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो +2 +2 +2 मींस d इज इक्वल टू आपका क्या है? +2। d मींस के डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस, और ये डिफरेंस जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ऑलवेज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डिफरेंस आपका अगर जीरो आता है तो उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बट एरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। अब ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, जैसे कि t1 t2 t3 जो टर्म्स के नंबर्स दिए अपन ने, उसके ऊपर से अपन फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू टर्म 2 माइनस टर्म 1 मीन्स की गिवन टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, वैसे करते टर्म nth टर्म माइनस nth माइनस 1 टर्म। नॉन जीरो कांस्टेंट फॉर एपी मींस कि ये डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक सीरीज आपको मिलेगी a+d, a+d+d, 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 + d, वैसे करते आपके हर एक सीरीज के अंदर, हर एक नंबर के अंदर डी ऐड करते जाना। से ये आपका फर्स्ट था ए, उसके अंदर आपने डी ऐड किया। अब ये सेकंड टर्म था a+d, उसके अंदर अगेन आपने डी ऐड किया। अब थर्ड टर्म था आपका a+d+d, उसके अंदर अगेन आपने डी ऐड किया। वैसे हर एक टर्म्स के अंदर आपको डी ऐड करना है, जो टर्म उसके आगे वाली टर्म होगी। तो उसके ऊपर से आपको एक बेसिक सीरीज मिलेगी जिस जो है a+d, a+2d, a+3d, वैसे करते करते जाएंगे तो a+n-1 × d, और ये a+n-1 × d ये जो है आपकी nth टर्म है। इफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फाइनाइट एंड टर्मिनेट्स एट द nth स्टेप, मतलब आपकी जो सीरीज जो है एरिथमेटिक वो फाइनाइट है, मीन्स कि आपको पता है उसके अंदर कितने नंबर्स है, या फिर एक लिमिट है कि 100 तक है, 90 तक है, तो वो सीरीज के अंदर आपको अगर कोई nth टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a+n-1 × d। मींस ये a+n-1 × d का है इज कॉल्ड लास्ट टर्म nth, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये लास्ट टर्म है, इसकी nth टर्म। अब ये nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है tn, उसका यूज कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द 100 टर्म ऑफ एपी 5, 11, 17। तो यहाँ पे 100 टर्म मींस के n आपको दिया हुआ है कि 100 नंबर का टर्म है वो कौन सा है, और यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है 5, 11, 17 में 5 आपका टर्म 1, 11 टर्म 2, 17 टर्म 3। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 मीन्स के फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू 6, तो कैसे आया वो? तो d इज इक्वल टू टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 17 माइनस 11, दोनों का आंसर आया 6। मीन्स के डिफरेंस कॉमन आ रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका डिफरेंस है 6। अब tn वाला फॉर्मूला रखो, tn इज इक्वल टू a+n-1 × d
मीन्स एन आपको 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो टी 100 डाल दीजिए। अब फर्स्ट टर्म ए एन माइनस वन, तो उसके अंदर एन इज इक्वल टू 100 माइनस वन, और डी आपको 6 दिया हुआ है। अब इसका सिंप्लीफाई कीजिए, टी 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 99, 100 माइनस वन 99 आएगा। अब 99 इंटू 6 यहाँ पे कीजिए जो 594 आएगा, बाकी का एज इट इज रख दिए। अब टी 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 594, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो टी 100 इज इक्वल टू 599, मीन्स के 100 नंबर की टर्म जो थी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर, वो टर्म है 599। इन दिस एपी 100 टर्म इज 599। ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। फॉर गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 10, 15 और वैसे करते हुए 200 तक जाती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, मीन्स के नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, मीन्स के एन फाइंड आउट करना है आपको। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 5, 10, 15 वैसे करते 200 तक, मीन्स टर्म 1 इज 5, टर्म 2 इज 10, टर्म 3 इज इक्वल टू 15 और nth टर्म आपकी 200 ले सकते हैं। अब सपोज टी एन इज इक्वल टू 200, मीन्स के लास्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5, कैसे, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10, 5 इज इक्वल टू 5। अब टी एन इज इक्वल टू 200 और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, दोनों को कंपेयर कीजिए, मीन्स 200 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 200 ए जो था उसकी जगह पे आप 5 रख दीजिए, डी की जगह 5 रख दीजिए। अब ये 5 जो है वो एन और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 200 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 एन माइनस 5। अब यहाँ पे 5 5 कट ऑफ हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 5 एन बचेगा। अब ये 5n है तो 5n के साथ मल्टीप्लाई पे मीन्स इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो 200 के डिवाइड में आएगा, मीन्स की n इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5, 40 इंटू 5, 5 5 कट, n क्या बचेगा आपके पास 40। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल इज जीरो अ टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 200, 196, 192 वैसे करते हुए माइनस 200 तक जाती है। अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाट इज इट्स ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 200, 196, 192 और वैसे करते हुए माइनस 200, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये आपका फर्स्ट टर्म 200, डिफरेंस माइनस 4, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, 196 माइनस 200 इज इक्वल टू 192 माइनस 196 माइनस 4 माइनस 4, मीन्स के दोनों में डिफरेंस सेम है, उसका मतलब है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड डिफरेंस आपका आएगा माइनस 4। लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, सपोज करो कि nth टर्म 0 है, क्योंकि आपको यहां पे बोला हुआ है कि 0, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 0 है कि नहीं, तो आपने सपोज किया कि है, देन tn इज इक्वल टू 0 इफ पॉसिबल, tn a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब tn आपने सपोज किया 0, 0 रख दो, 200 प्लस एन माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4 आपका डिफरेंस है। अब यहां पे 0 इज इक्वल टू 200 माइनस 4 एन प्लस 4, माइनस 4 इंटू एन माइनस 4 एन माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 4। अब 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 4, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का एडिशन होगा और माइनस 4 एन एज इट इज रखेंगे। 0 इज इक्वल 204 माइनस 4n, अब ये माइनस है 4n, तो माइनस को अपन प्लस में लाने के लिए क्या, माइनस 4n को राइट हैंड साइड से अपन ला देंगे
लेफ्ट हैंड साइड मतलब वो साइन चेंज हो जाएगा, फॉर एन इज इक्वल टू 0, फॉर में 200, फॉर अब फॉर इन टू एन है मीन्स फॉर ये इस तरफ डिवाइड में जाएगा, एन इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 4 मीन्स एन इज इक्वल टू 51। सपोज इन एपी मीन्स एथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 9, 13, 17 विच टर्म इज 101। Is any term equal to 203? Tn is equal to 101. Suppose करो कि कोई term 101 है, a plus n minus 1 into d. अब ये formula के अंदर put the value of a is equal to 5 and d is equal to 4, और तो आपका n is equal to 25 आएगा. और वैसे ही 203 आपको देखना है, तो tn is equal to 203. आप ए और डी रख के टी एन वाले फॉर्मूला में देखिए एन इज इक्वल टू 1012 आएगा, यहाँ पे 25 है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब 101 नंबर का टर्म्स ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर nth टर्म पे आएगा, बट 101 अपॉन 2 नहीं आएगा बिकॉज एन इज नॉट एन इंटीजर फॉर टी एन इज इक्वल टू 203 मीन्स टी एन फॉर्मूला जो उसके लिए नहीं है। If n is equal to non-zero integer, then nth term is term of AP. Otherwise, not arithmetic progressions. No term of the sequence can equal to 0, 3. तो यहाँ पे ऐसी कोई sequence, इस sequence के अंदर कोई term ऐसी नहीं है जो 2, 0, 3 होगी।